अमिताभ बच्चन शुरू करने जा रहा हूँ। जानदार धंधा शानदार, कौन बनेगा करोड़पति? बस 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 धन्यवाद, बस थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बस 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 देखिए हमारी भारतीय संस्कृति कितनी खूबसूरत है। इसमें मृत्यु के जो देवता है ना, यमराज जी, उनकी भी पूजा की जाती है। आज भाई दूज है, इसे यम द्वितीया भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन यमराज की बहन यमुना ने अपने भाई को अपने घर पे आमंत्रित किया और उनका खूब आदर सत्कार किया। बदले में यमराज ने भी अपनी बहन को सदा रक्षा करने का वचन दिया। देश के कई भागों में इसी परंपरा को निभाते हुए इस दिन बहनें अपने भाइयों को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करती हैं और भाई अपनी बहनों को प्यार और उपहार देते हैं। दरअसल बात किस्से, कहानियां, परंपराओं, मान्यताओं से कहीं ऊपर हैं। देखिए हमारे देश में हर धर्म के त्यौहार इस उद्देश्य से बनाए गए हैं ताकि हमारे सामाजिक रिश्ते में उत्साह और सम्मान जो है वो बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे समझो आज भाई दूज के अवसर पर सभी भाई बहनों की सुरक्षा और कुशलता की प्रार्थना करते हुए इस खेल को हम प्रारंभ करते हैं आज के फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के साथ। तालियां बज जाए हमारे कंटेस्टेंट को। अब आपका ध्यान जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन टीमों को क्रिकेट एक दिवसीय विश्व कप जीतने के संदर्भ में सबसे अधिक से सबसे कम के क्रम में लगाए। रेंज दीज टीम्स फ्रॉम द मोस्ट नंबर ऑफ क्रिकेट ओडीआई वर्ल्ड कप विन्स टू द लीस्ट। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए भारत यानी इंडिया, बी श्रीलंका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी न्यूजीलैंड। रेंज दीज टीम्स फ्रॉम द मोस्ट नंबर ऑफ क्रिकेट ओडीआई वर्ल्ड कप विन्स टू द लीस्ट। समय समाप्त हो गया, ये देखते हैं कि इस क्रम का सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले सी ऑस्ट्रेलिया आता है जिन्होंने 5 दफे जीता, फिर आता है भारत जिसने 2 दफे जीता, फिर आता है श्रीलंका 1 बार और न्यूजीलैंड ने अभी तक जीता नहीं। ये है सही क्रम सी ए बी डी। अब देखते हैं हमारे लीडर बोर्ड में सी ए बी डी में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। केवल एक ने। ओम संजू रायकर जी, ये लोलियन गोवा से हैं और हॉटसी पर आ गए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको ओम संजू जी। धन्यवाद सर। और इससे पहले कि आगे बढ़े, आप कंपेनियन के रूप में किन्हें लाए हैं? मेरे पिताजी पिताजी रायकर जी। नमस्कार सर, प्रणाम करता हूँ आपको और इनके लिए तालियां बज जाए। बहुत बहुत स्वागत आपका। तो अपने बारे में कुछ बताइए, आप आजकल आप क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं? अभी सर मैं फिलहाल दिल्ली के यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर बीबीए स्टूडेंट हूँ और उसी के साथ साथ मैं एक म्यूजिशियन भी हूँ, मतलब मैं एक ड्रमर हूँ। मैं वेस्टर्न ड्रमर हूँ, जो 5-पीस ड्रम किट होता है वो मैं बजाता हूँ और उसके साथ साथ थोड़े बहुत पर्कशन इंस्ट्रूमेंट भी बजा लेता हूँ जो मैंने स्कूल में सीखे हैं। और मैं वेरियस आर्टिस्ट अकूस्टिक गिग्स वगैरह उन सब पर जाके परफॉर्म भी करता हूँ। एक मेरा कॉलेज का भी बैंड है, मेरी एक कॉलेज की म्यूजिक सोसाइटी भी है, एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है जिसके अंडर अभी मैं उनका परकशन हूँ। अगर उनके साथ कोई क्लब्स में अकूस्टिक गिग्स हो या फिर उनके अगर उनका भी कोई बैंड हो, उनकी रिक्वायरमेंट हो, तो कभी कभार मैं पूरी कर देता हूँ। अभी तक तो सेल्फ ट्रेंड हूँ, आगे चल के कुछ लेना हुआ तो मतलब एक होता है ना, आपको एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाने के लिए जी जी। कुछ किसी की गाइडेंस तो चाहिए होती है। जैसे अगर आप किसी को एक्टिंग सीखना हो तो आपसे आके सीखेगा। नहीं नहीं, हमसे मत सीखिएगा। आपका आप खेल की ओर आ जाए जिसकी वजह से आज आप हॉट सीट पर बैठे हैं।
रूल्स तो आपको पता ही है, वो हम नहीं दोहराएंगे. सो लेट्स प्ले कौन बनेगा द्रौपदी. ओम संजू जी, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. 1,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए. पहला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द ये दर्शाता है कि आपने किसी व्यक्ति से प्राप्त संदेश किसी अन्य व्यक्ति को भेजा है. Which of these words refers to sending a message you have received from one person to someone else? Okay? Option सुनिए. A. Spam. B. Reply. C. Block. Or D. Forward. Spam तो वो होता है जो unwanted message आते हैं. Block तो मतलब आपने उसको complete हटा दिया. Reply तो उसी को करते हो आप. Sending a message you have received from one person to someone else. So D. Forward. क्या करें? Block कर दीजिए. D पे ताल लगा जाए. बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने. आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर. 2,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए. अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा. बैडमिंटन के खेल में जब लव ऑल कहा जाता है तो स्कोर लाइन क्या दर्शाती है? इन द गेम ऑफ बैडमिंटन व्हाट इज द स्कोर लाइन व्हेन इट सेज लव ऑल. ऑप्शंस ए 0-0, बी 11-11, सी 21-21, डी 10-10. बैडमिंटन में लव ऑल, लव ऑल 11-11 तो 21 तो गेम हो जाएगा. हाँ मतलब वो इस पे मेरे को ये 0-A लग रहा है. ए को लॉक करना चाहिए. ए की ताला लगा दें जी. ऑलराइट, ए पे कह रहे हैं ताला लगाओ. 0-0 ये सही उत्तर है. बैडमिंटन में लव का मतलब जीरो होता है. गलत वर्ड है लेकिन अब क्या बताएं. इसलिए जब खेल लव ऑल के स्कोर के साथ शुरू होता है तो इसका मतलब हुआ 0-0. ऑलराइट, ओम संजू जी आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न पर. 3,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए. तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने. इनमें से कौन सा स्थान सबसे उत्तर में स्थित है? Which of these places located the northernmost? Alright, A. Mumbai, B. Jaipur, C. Bengaluru, or D. Kochi. सब मुंबई तो जहाँ पे अभी हम स्थित है, बेंगलुरु थोड़ा नीचे है, कोची तो मतलब, तो इसका आंसर होगा बी जयपुर. आप इसको ताला लगा दीजिए. बी जयपुर पे ताला लगाया जाए. सही उत्तर दिया. चौथा प्रश्न 5,000 रुपए रेडी होंगे जी. ऑलराइट, ये एक तस्वीर दिखा करके आपसे प्रश्न पूछा जाएगा और ऑप्शन आएंगे आपके सामने. इनमें से किस चित्र में एक खिलाड़ी ने टिक टैक टो का खेल जीत लिया? ओके, इन विच ऑफ दीज अरेंजमेंट्स हैज अ प्लेयर वन अ गेम ऑफ टिक टैक टो. ये तस्वीर देखिए, ये चार तस्वीरें हैं. इमेज ऑप्शन ए बी सी या डी. सर डायगनली या फिर हॉरिजॉन्टली, अगर आपका वर्टिकली भी कोई भी खिलाड़ियों ने अगर सेम क्रॉस मार दिए या फिर सेम सर्कल मार दिए तो वो जीत जाता है. तो डायगनली अगर हम देखा जाए तो इमेज ऑप्शन सी इसका सही आंसर बन रहा है. Right. तो आप इसको ताला लगा दीजिए. इमेज ऑप्शन सी पे ताला लगा जाए. यस इज द राइट आंसर. आ गया है पहला पड़ाव. पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए के लिए. रेडी हो संजू जी? जी सर. पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. गोवा में 3 दिसंबर किस संत के पर्व के रूप में मनाया जाता है? The 3rd of December is celebrated in Goa as the feast of which saint? Options A. Saint Ignatius of Loyola, B. Saint Joseph of Baz, C. Saint Thomas the Apostle, or D. Saint Francis Xavier. December. Saint Ignatius of Loyola. Saint Joseph Vaz, Saint Thomas the Apostle, Saint Francis Xavier. So please lock option D, Saint Francis Xavier. D पे ताला लगाया जाए. बिल्कुल सही जवाब दिया आपने. Complete. ये जो त्योहार है ये सेंट फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु की सालगिरह का प्रतीक है और गोवा में सबसे बड़े ईसाई त्योहारों में से एक है ये. इसे गोइंचा साहिब अच्छी गोइंचा साहिब बोलते हैं उनको. आपका फेवरेट फेस्टिवल क्या है? मेरा फेवरेट फेस्टिवल आप गोवा का देखे जो सबको एक पूरी कम्युनिटी को गेट टुगेदर करता है तो वो गणेश चतुर्थी है. गणेश चतुर्थी. अच्छा,
मतलब हर घर में आप जाओगे तो बप्पा आएंगे जी जी, पंडालों में बप्पा आएंगे। पुर्तगालियों के समय से कार्निवल बहुत पॉपुलर होता था। हाँ, विवा कार्निवल जो फेब में आता है, झांकिया जिसको हम बोलते हैं, पूरा पेंजिम साइड में, पूरा वो मड़गांव साइड में वही चलता रहता है। वो भी बहुत अच्छा है, मतलब अगर आप इसको एक ब्यूटिफिकेशन ऑफ गोवा देखो तो बहुत रोल है, हर ही फेस्टिवल का बहुत एक बड़ा रोल है। भाई साहब, तो जैसा कि आप जानते हैं, ये एक आवाज है जहां पर बदलाव का जो है संकेत है। चलिए देखते हैं कि आज का सवाल जो है किस देशवासी ने किया है। यहां पर आएगा, देखिए महाराष्ट्र से गाड़ी चल पड़ी और पहुंच गई महाराष्ट्र में ही। मेरा नाम स्मिता धोटे है, मैं मुंबई शहर से हूँ। मेरा सवाल है, भारत छोड़ने वाली अंतिम ब्रिटिश रेजिमेंट इनमें से किस स्मारक से होकर गुजरी थी? ऑप्शन ए एलिफेंटा गुफाएं, ऑप्शन बी इंडिया गेट, ऑप्शन सी गेटवे ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी चार मीनार। तैयार हो जाइए और आपका समय शुरू होता है अब। समय हो गया समाप्त, आइए देखते हैं कौन विजयी है। विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर 36 आप हैं। अरे भाई साहब, ताली बज जाए इनके लिए, बहुत बहुत बधाई आपको। मानवर आपके शुभ नाम दर्शन हो गए आपके, आपके लिए छोटी सी भेंट है। दर्शन जी, उत्तर बताइए। गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही जवाब है। गेटवे ऑफ इंडिया से ब्रिटिश का रास रेजिमेंट जो था वो वहां से मार्च करता हुआ गया। ऑलराइट, ओम संजू जी। सर, वैसे संगीत का शौक तो आपको भी है, आपके भी इतने प्रचलित गाने हैं, जैसे आपकी अभी गणेश चतुर्थी जब गई थी एक महीने पहले जी जी। तो आप ही का जैसे अभी सुखकर्ता दुकर जो आपने आपकी मधुर आवाज में गाया है। हमारे दो मित्र हैं रोहन और विनायक, वो म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं और प्रोड्यूसर भी हैं, तो उनके कहने पे हम कर देते हैं जो वो कहते हैं। लेकिन सर, हमको बहुत कष्ट होता है, हम गायक वायक है नहीं सर। और आजकल क्या है कि नहीं, सीरियसली बोल रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, बता रहे हैं, आप ज्यादा जानते हैं इसको कि हमारी क्या आवाज है सर, बहुत फटी हुई आवाज है। अरे नहीं तो सुनी नहीं सर, ऐसा तो नहीं। फटा हुआ बास जैसे होता ना, तो आजकल एक बक्सा बना हुआ है सर, वो ऑटो ट्यूनर बोलते हैं उसको, आपको मालूम होगा। कोई भी आवाज इधर से डाल दीजिए, वो सुर में उधर से निकाल देता है। तो हम फटी हुई आवाज इधर से डालते हैं, उधर से सुर में निकल आता है। आपको लगता है कि हमने गाना अच्छा गाया सर, जैसे अभी आप कुछ बोल रहे हो और ऑटो ट्यून के बाद इतना अंतर नहीं आएगा जितना आप अभी बोल रहे हो। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ आपको, ऐसा ही होता है। सातवां प्रश्न, सातवां प्रश्न आएगा अब आपके सामने। ओम संजू जी, तैयार हो जाइए। जी सर। 40,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे आपको, रेडी। सातवां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है ओम संजू जी। प्रश्न है कि इस डाक टिकट में कौन सा शब्द छुपा दिया गया है? राइट, व्हाट वर्ड हैज बीन ब्लैंक्ड आउट फ्रॉम दिस स्टैम्प। यू सी द पिक्चर प्लीज। एक ब्लैंक है विजय है और एक है कॉन्क्वेस्ट ऑफ ब्लैंक। डेट लिखा है 29/5/53। ऑप्शन सुनिए, ए एवरेस्ट, बी कैलाश, सी के टू, डी अन्नपूर्णा। सर, 29 मई 1953 का ये स्टैम्प मेरे को लग रहा है, और पहाड़ों से उस टाइम पे एवरेस्ट ही मेरे दिमाग में आ रहा है, तो क्योंकि अन्नपूर्णा कैलाश पर्वत तो आज तक कोई चढ़ नहीं सका, तो उसका कॉन्क्वेस्ट तो हो नहीं सकता, विजय उस पर प्राप्त नहीं करी जा सकती। के टू बहुत बार हुआ है, लेकिन आई वुड लाइक टू गो विथ ए एवरेस्ट। ताला लगा दीजिए। ए एवरेस्ट पे ताला लगा जाए।
It is the right answer, well played. 40,000 रुपए आपने जीत लिए ओम संगीत और बहुत सही तरीके से आपने अनुमान लगाया कि उस पे डेट लिखी थी 1953 की, तो 1953 में जारी इस स्टैंप पर 29 मई की तारीख थी। 29 मई की तारीख नॉर्गे हिलरी एक्सपेडिशन को दर्शाती। ये टेनजिंग नॉर्गे पहली बार और हिलरी गए थे एवरेस्ट पे, तो जिन्होंने पहली बार एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी उसी के लिए ये स्टैम्प बना था। लाइव परफॉर्मेंसेस भी करते हैं आप? हाँ जी। अभी तो इतना गोवा में तो कई बार ऐसे अवसर आते होंगे जहां आपका लाइव परफॉर्मेंस होता होगा। हाँ जी। वैसे तो सर आपके प्रशंसक बहुत होंगे जो आपको प्रशंसक आपके प्रिय हैं जो आपके बारे में आपको देखते हैं तो आपको सुनते हैं। ऑडियंस तो सर बहुत। हाँ जी ऑडियंस में सर क्या है कि बहुत से लोग होते हैं ना जो सर होता क्या है कि नहीं सर ठहर जाइए, जितनी महिलाएं थी सब समझ गई हम क्या बोल रहे हैं। अगर ऐसा होता होगा ना कई बार सर, वैसे क्योंकि महिलाओं को बहुत प्रेम है सर संगीत से, मैं बता दूं आपको सर संगीत से प्रेम है जो और जो संगीत को उन जो वादक होते हैं ना जो बजाते हैं उनसे बहुत ज्यादा प्रेम है। तो आपके सर पिताजी बैठे हैं पूछ रहे हैं, कोई आप बुरा मत मानिएगा। अरे नहीं, कोई ऐसा संबंध हुआ है सर जहां आपको लगा कि बन जाएगा कुछ इधर? सर संबंध तो दूर की बात है, अगर मैं कैमरे में भी आ जाऊं तो बहुत बड़ी बात होती है। मतलब होता है कि फ्रंट मैन्स होते हैं, वोकल होता है, गिटारिस्ट होता है, कीज वाले होते हैं। अब यूजुअली क्या होता है, ड्रमर को आप मिडल ऑफ स्टेज दे नहीं सकते क्योंकि पीछे एक स्क्रीन भी होती है कभी कभार, तो ड्रमर को कोने में खिसका देते हैं तू भाई। तो होता क्या है कि कभी कभी तो मेरे को फोटो में भी आने का मौका नहीं मिलता, तो संबंध तो बहुत ही दूर की बात है। भाई साहब हम आपको एक उपाय हम बताएं, अगली बार जब कोई ऐसा ऑडिटोरियम होना तो उनसे कहिएगा हमको रिवॉल्विंग स्टेज चाहिए। है कि नहीं? तो वो स्टेज जो है ना सर वो गोल गोल घूमेगा और हर बार जो देवी जी से आप बात करना चाहेंगे वो आपको एक रेवोल्यूशन के बाद फिर मिलेगी। एक बार घूमा आपने कहा हेलो हाउ आर यू और निकल गए, घूम करके आए फिर कैसे हैं आप आज रात के खाने पे, फिर घूम के चले आए। और एक बात बता दें आपको, क्योंकि आपको सबसे पीछे खड़ा किया है ना तो आप सबसे नजदीक होते हैं उनके। सुनिए अगली बार बोलिएगा हमको रिवॉल्विंग स्टेज चाहिए। सर वो गिगी कैंसिल कर देंगे। हैं? वो गिगी कैंसिल कर देंगे। नहीं आप उनसे कहिएगा हमने कहा। ठीक है ठीक है। सर ये रिकॉर्ड होगा, मैं ये रिकॉर्ड बिल्कुल बिल्कुल आप कह दीजिएगा कि हमने रेकमेंड किया है। ठीक है। उससे क्या है? नहीं उनको बताइएगा ये कि देखिए क्या होता है, जैसे कि अभी हम बैठे हैं ना यहाँ, हमारे पीछे जो जनता है बहुत चीखती चिल्लाती है, आपका चेहरा नहीं दिखाई देता कुछ, तो हमको घूमना पड़ता है कि नहीं? अब भाई साहब जब आपका स्टेज घूमेगा तो ऐसे ही घूमेगा, जब इधर जाएंगे तो ताली बजेगी और घूम के इधर आएंगे तो ताली बजेगी। तो मैंने सर बता रहे हैं, तो जो मैनेजमेंट है ना बैठ गई, मैनेजमेंट है उनको बोलिए कि देखिए साहब उधर कोने में हम बैठते हैं और पूरे स्टेज पे गाना जब जाता है तो एक पर्सनल इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, तो जनता को अच्छा लगता है, तो बीच में जब होते हैं ना तो जो इधर जनता बैठी इधर बैठी पीछे बैठी सबसे आप व्यक्तिगत रूप से उनको सुना सकते हैं अपना गाना और थोड़ा सा तीर वीर भी मार सकते हैं ना। सर मेरा तीर तो वही है, वो मार दिया तो उनके लग जाएगी। नहीं प्रेम वाला तीर जो होता है ना कभी छोड़ दिया कीजिए। ओके और चलते हैं आगे भाई साहब जी, रिवॉल्विंग स्टेज को भूल जाइए। आठवां प्रश्न आ रहा है आपके सामने, मिलेंगे आपको 80,000 रुपए। आठवां प्रश्न 80,000 रुपए ये रहा आपके सामने। दो हजार बाईस में महाराजा हरि सिंह की जयंती पर किस राज्य
या केंद्र शासित प्रदेश ने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था? In the year 2022, which state or union territory declared a public holiday on the birth anniversary of Maharaja Hari Singh? A. Chandigarh, B. Jammu and Kashmir, C. Haryana, D. Rajasthan. हरियाणा राजस्थान तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं क्योंकि वो तो स्टेट है. मतलब चंडीगढ़ भी नहीं होगा क्योंकि महाराजा हरि सिंह जेएनके के थे रूलर. अगर इनको हम करें तो मेरा तो आंसर और मेरा अनुमान भी जेएनके पे ही जाएगा. लीस्ट रिस्क तो मतलब जम्मू कश्मीर. सर आई वुड लाइक टू गो विथ ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर. बी जम्मू एंड कश्मीर कह रहे हैं, इस पे ताला लगाया जाए. बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने भाई. और अच्छा अनुमान लगा रहे हैं कि हरियाणा तो हो नहीं सकता, चंडीगढ़ भी हो नहीं सकता. महाराजा हरि सिंह जम्मू और कश्मीर रियासत के अंतिम शासक महाराजा थे और उनके जन्मदिन 23 सितंबर को यूनियन टेरिटरी के प्रशासन द्वारा पब्लिक हॉलीडे जो है वो घोषित किया गया था. महाराजा हरि सिंह, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने. ओके, मान्यवर आ गया है नवा प्रश्न. मूल्य है इसका 1,60,000 रुपए. नवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. ऐसी बाजार संरचना क्या कहलाती है जिसमें कम संख्या में किंतु दो से अधिक कंपनियां हों जिनमें से कोई भी दूसरे को हावी होने से नहीं रोक सकती. What is a market structure having a small number of firms, more than two, none of which can keep the other from dominating, called? What is that structure called? A. Monopoly, B. Duopoly, C. Oligopoly, D. Metapoly. मार्केट स्ट्रक्चर हैविंग स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स. मतलब एक मार्केट है जैसे उसकी अर्निंग्स एक्स नंबर ऑफ अमाउंट में हो रही है, दूसरे की भी उतनी हो रही है. इस पर मेरे को थोड़ा सा डाउट आ रहा है. आंसर मेरे को श्योर है, अगर होगा तो ए हो सकता है, बट रिस्क लूँगा तो मतलब अंदर अंदर मेरे को लग रहा है कि रिस्क ले रहा हूँ मैं. मतलब थोड़ा उधर जा रहा है, बट I would like to take a lifeline. और शांत हो जाइए बागमती जी, तीनों लाइफलाइन जीवित हैं, कौन सी लीजिएगा? ऑडियंस पोल. ओके, इसको अंकित कर दिया जाए. ऑडियंस, आपकी बारी आ गई है. वोटिंग मीटर अपने हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब. सी ओलिगोपोली को सबसे ज्यादा 54%. क्या करना चाहेंगे? गो विद द ऑडियंस. फोर्टी और 50 का उन्होंने अंतर बताया, कहीं मेरा सुन के मोनोपोली, तो डबल डिप लेना चाहूंगा मैं फिर से. हाँ जी, रिकॉर्ड संतुष्ट नहीं. ओके, डबल डिप, शांत हो जाइए. डबल डिप लेंगे ये, इसको अंकित कर दिया जाए. मान्यवर, आप जानते हैं अब आप गेम क्विट नहीं कर सकते. दो अवसर मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए. पहला उत्तर बताइए. सर, जो पहले ऑडियंस से बोला था, मैं सी करूंगा. सी ओलिगोपोली. सी पे ताल लगाया जाए. सर, आपको जनता पे विश्वास नहीं था. ये सही जवाब है. Well played, audience. Well done. सर, ग्रीक में जो शब्द है वो है ओलिगो, का अर्थ होता है फ्यू. ओलिगार्क आपने सुना होगा, रशियन ओलिगार्क्स, वो वहां से भी पैदा हुआ है. मोनोपोली की तरह जहां एक फर्म बाजार पर हावी होती है, मोनोपोली इट मैनिपुलेट्स एंड इट बिकम्स द ओनली वन. ओलिगोपोली में दो से अधिक ऐसा करते हैं, इससे उन्हें बाजार के मूल्यों को मैनिपुलेट करने में सहायता मिलती है. Oligopoly is the right answer. इन्होंने डबल डिप लाइफलाइन का बहुत ही असरदार इस्तेमाल किया. ओके, अब आपकी दो लाइफलाइन चली गई हैं भाई साहब.
और आ गया है 10वां प्रश्न खेल का दूसरा पड़ाव। तो इस मौके पर आप बिल्कुल चांस मत लीजिएगा, क्योंकि मौका दोबारा नहीं आएगा आपके इस खेल में। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में किस राजवंश के दौरान निर्मित मंदिरों को 2023 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? The temples built during the rule of which of these dynasties were declared a UNESCO World Heritage Site in the year 2023? All right? Options A, Cher ya Chera, B, Chalukya, C, Pal, D, Hoysala. अभी रिसेंटली ही, मतलब कुछ महीनों पहले ही टेंपल का नाम ही उसका जो जिन्होंने किया था वो था, थोड़ा मैं श्योर हूँ, काफ़ी श्योर हूँ, बट होना चाहिए। डी होयसला को लॉक कर दिया जाए। डी कह रहे हैं, डी होयसला या डी होयसल, इस पे ताला लगाया जाए। Well played, sir, is the right answer. Well done. दस प्रश्नों का सही उत्तर, बहुत मुश्किल प्रश्न था, लेकिन आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया और आपके नाम का एक चेक आ रहा है, तालियां बजाने के लिए। तीन लाख बीस हजार रुपए का चेक ओम संजय जी। वेल प्लेड ओम संजय जी, बड़ा मुश्किल प्रश्न था लेकिन आपने बिल्कुल सही पकड़ा, क्योंकि आपकी जो जनरल नॉलेज है वो बहुत ही अच्छी है। होयसलों ने 10वीं और 14वीं शताब्दी में ये वर्तमान कर्नाटक पर शासन किया था, और चन्नकेशव मंदिर, होयसलेश्वर मंदिर और केशव इस स्थल का हिस्सा है ये तीनों मंदिर, और बिल्कुल सही, क्योंकि अभी अभी ये 2023 की बात है। ऑलराइट मान्यवर, बधाई हो बहुत बहुत। ये घोषित करता है कि सुपर संदूक का समय आ गया है, यहाँ पर हमारा सुपर संदूक आपको दिखेगा जी। इसके बारे में आपको जानकारी पहले से ही मालूम है। ये बताइए, प्रश्न अंग्रेजी में दूं या हिंदी में? इंग्लिश, अंग्रेजी। ओके, तैयार हो जाइए। ऑलराइट, तो देव संजो, लेट्स प्ले सुपर संदूक। प्रारंभ किया जाए सुपर संदूक। आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। What kind of creature is the Komodo dragon? Tortoise, snake, lizard, crocodile? Sea lizard. Correct. Next. Which of these films is a biopic of Muthiah Murilitharan? 83 Jersey Victory. The Art Show. Correct. Next. Pogadi and Dindi are two. A dance. Correct. Next. Which marine mammal can provide you with ivory? Octopus, shark, crab, walrus? Pass. Next. Which of these countries has a coastline along the Pacific Ocean? Somalia, Mexico, Iceland, Venezuela? D. Venezuela. Wrong. Next, in which sport can you see the bicycle kick? Swimming, cycle, football, kabaddi? Bicycle kick. Bicycling. Wrong. Next, how many letters long is the number 5 when written as a word in English? 3, 4, 5, 6. B4. Correct. Next, in which field is the Vyasa Samman awarded? Engineering, literature, medicine? Literature. Sahi. Next. Black Mamba is the nickname of which basketball star? Kobe Bryant, Wilt Chamberlain, Jerry Kobe West? Kobe Bryant, A. Kobe Bryant. Correct. Next. Which Indian state is referred to as the land of dawn-lit mountains? Kerala, Madhya Pradesh, Arunachal Pradesh, Goa? Goa. Wrong. Next. Which marine mammal can provide you with ivory? Octopus, shark, crab, walrus? Shark. Wrong. Next. Arre, walrus. Oh, samay samas ho gaya, bhai sahab. बता दें आपको कि आपने 6 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, 60,000 रुपए जीत गए। तो पहले जो आपने गलत उत्तर दिए थे उनका सही बता दूं आपको। एक प्रश्न था, विच मरीन मैमल कैन प्रोवाइड यू विथ आइवरी, आपने कहा शा, इस तो वॉलरस था। हाँ, वो थोड़ा बड़े बड़े दांत होते हैं वॉलरस के, आइवरी में उसमें कंफ्यूज हो गया था। एक और था कि विच ऑफ दीज कंट्रीज हैज अ कोस्टलाइन अलोंग द पैसिफिक ओशन, आपने कहा वेनेजुएला, नो इट्स मेक्सिको। मेक्सिको
एक और था, इन विच स्पोर्ट कैन यू सी द बाइसिकल किक? अरे हमको लगा कि आप जान जाएंगे गोवा से है, फुटबॉल। फुटबॉल सर इंटरेस्ट नहीं है अपना। Which Indian state is referred to as the land of dawnlit mountains? आपने कहा गोवा, no, it's अरुणाचल प्रदेश। ओके। ओम संजू जी, आपने 60,000 रुपए जीत लिए हैं, आप इसे बैंक में डालेंगे या कोई अपनी लाइफलाइन जीवित करवाएंगे? जिन पे मैंने पहले ट्रस्ट नहीं किया था मैं उन्हीं को एक्टिवेट करूंगा। ऑलराइट, ओके। इतने रमाज है, ऑडियो कॉल की लाइफलाइन को एक बार फिर से जीवित कर दिया जाए। Well done. आपकी लाइफलाइन जीवित हो गई है। ओम संजू जी, अब आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न। समय की कोई भी पाबंदी नहीं है, ये बाधुमती जी जो है ये शांत हो गई हैं। जी सर। लेकिन ये जो है ये बिल्कुल बेफिक्र होकर खेलिए, जीरो रिस्क वाला ये क्वेश्चन होता है, कुछ खोएंगे नहीं अगर ये गलत हो भी गया तो। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पशु साम्राज्य में इनमें से किस जानवर की एक प्रजाति की आंखें सबसे बड़ी होती है? A species of which of these animals has the biggest eyeball in the animal kingdom? A. Whale. B. Lemur. C. Squid. D. Owl. Whale, lemur, समुद्र फेनी या डी उल्लू? स्क्विड तो मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ क्या होता है, वेल तो मेरे को मतलब वो है तो वैसे बड़ा, बट आईबॉल का मेरे को इतना श्योरिटी नहीं है। लीमर नाम अगर इसका हिंदी में कुछ और अनुवाद होता तो, या फिर ये हिंदी नाम है, बट इतना मेरे माइंड में कैच नहीं हो रहा है। आउल की जो आंखें वो अपनी रात को बहुत ही बड़ी होती है उसकी, बट अगर इस पे लीस्ट रिस्क भी है बट अमाउंट तो है, मेरा इशारा अगर काट के भी अगर मैं इनको एलिमिनेट करूँ तो डी आउल पे जा रहा है, बट अगेन अगर आप पे सुविधा है तो उसको क्यों वेस्ट करना। ठीक है सर, मैं लाइफ लाइन लूंगा, ऑडियंस पोल लेना चाहूंगा। लाइफ लाइन लेना चाहेंगे? ऑलराइट, एक और लाइफ लाइन जो कि जीवित हो गई है इसे अंकित कर दिया जाए, लाइफ लाइन ऑडियंस पोल की। दोबारा बारी आ गई आपकी लाइफ लाइन की और आपका समय शुरू होता है अब। सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है 75% डी आउल को, क्या करेंगे? ऑडियंस के साथ ही जाने। ऑलराइट, बताइए क्या करें? डी आउल, उल्लू को लॉक किया जाए। डी उल्लू पे ताला लगाया जाए। इट्स नॉट द राइट आंसर। It's squid, which is the right answer. Seventy-five percent audience said owl. Hey, Bhagwan, ab ki baar galat ho gaye sir. Koi nahi. Giant squid or colossal squids jaisi prajatiyan gehre samudr mein rehne wale invertebrates hain. Vaigyanikon ne aise colossal squids paaye hain जिनकी आईबॉल की चौड़ाई 27 सेंटीमीटर यानी एक फुटबॉल के साइज की होती है। स्क्विड। ऑलराइट ओम संजू जी, जैसे कि आपने कहा था कि आप लीस्ट रिस्क पे हैं तो आज आप यहां से 3,20 ले जाएंगे, तो ये 3,20,000 रुपए आपको डिजिटली हम ट्रांसफर कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर ना दबाया, भर दिया इसमें 3,20 और इसी वक्त आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया 3,20,000 का, बहुत जल्दी आसान और सेफ तरीके से। ऑलराइट ओम संजू जी, आप बहुत सुंदर खेल रहे थे, ये एक गलती हो गई आपसे और एक तरह से माना जाए तो
कहने में तकलीफ होती है, जनता की गलती नहीं, मतलब वो गैप बहुत ज्यादा था, मतलब वो बहुत छोटे टावर्स थे और ऑडियंस का टावर बहुत ही ऊंचा था। इसलिए बट कोई बात नहीं, इसको डेस्टिनी की तरह लेके चलते हैं। आज पता तो चला कम से कम कि स्क्विड जो है उसकी आंखें सबसे बड़ी होती है। ऑलराइट, ओके, आपसे विदाई लेंगे हम। ओम संजू जी, तालियां बज जाए इनके लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। अब आपके साथ खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। एक बार फिर बारी आ गई आपकी, ध्यान रह जाए आपका वोटिंग स्क्रीन पर। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्नलिखित को सबसे तेज से सबसे धीमी गति के क्रम में लगाएं। अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम द फास्टेस्ट टू द स्लोएस्ट। और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। A, Usain Bolt, B, ध्वनि की गति यानी स्पीड ऑफ साउंड, C, प्रकाश की गति यानी स्पीड ऑफ लाइट, या D, चीता। Usain Bolt, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ लाइट, चीता। समय समाप्त हो गया। देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है C, प्रकाश की गति, विच इज द स्पीड ऑफ लाइट। फिर आता है B, ध्वनि की गति, विच इज द स्पीड ऑफ साउंड। फिर है D, चीता, और अंत में ए, यूसेन बोल्ट। सी बी डी ए, दिस इज द राइट आंसर। लेट्स सी कि किसने इसमें उत्तर दिया है। ओनली वन, हर्ष शाह। मेरे सामने और सीट पर आ गए हर्ष शाह, ये भावनगर गुजरात से हैं, और बहुत बहुत स्वागत। तो हॉट सीट पर कैसा लग रहा है भाई साहब? सर अनबिलीवेबल लग रहा है। कितने दिनों से आप कर रहे थे ये प्रोफेशन? सर केबीसी के लिए लास्ट 2 इयर्स से कर रहा था, क्योंकि मेरी मदर की बहुत ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ पे आऊं। क्या कंपेनियन के रूप में आपकी माता जी? ओके, मदर फादर आए। प्रणाम करता हूँ आपको। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम। जी, तो उनके प्रोत्साहन से? हाँ सर, उनके प्रोत्साहन से। उनकी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ पे आऊँ, तो सर आज उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई है। ऑलराइट। और एक और रीज़न था कि मैंने अपने ग्रेजुएशन के बाद सर मैं स्टेट सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा था। अच्छा। तो सर उसी दौरान फादर की एक हार्ट सर्जरी हुई थी, तो मुझे अपना बिजनेस संभालना पड़ा। तो सर एक था कि 20 से ज़्यादा मैंने PCS की एग्जाम्स दी हुए, और सर उसमें ओनली 4 में मेंस तक पहुँच पाया था, और वो भी एक फेलियर का पहाड़ था, जो यहाँ पे आके मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत छोटा हो गया है। थैंकफुल टू केबीसी। लेकिन जाना आप चाह रहे थे पब्लिक सर्विसेज में? जी सर, जाना चाहता था, लेकिन सर अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई कि फादर का बिजनेस है, तो सर वो संभाल रहे हैं। ऑलराइट हर जी, खेल की ओर अब आपका ध्यान हम आकर्षित करेंगे। रूल्स आपको पता है, तो हर जी खेल की शुरुआत करते हैं। लेट्स प्ले, कौन बनेगा करोड़पति? पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने हर जी, 1000 रुपए के लिए, और ये इमेज प्रश्न है। एक आपको चित्र दिखाएंगे, प्रश्न ये है आपके सामने, आप किस खेल में ऐसे उपकरण का उपयोग करेंगे? इन विच स्पॉट वुड यू यूज सच इक्विपमेंट? पिक्चर दिखाई जाए। देख लिया? ऑलराइट, ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए शॉटपट, बी हर्डल, सी लॉन्ग जंप, डी ट्रिपल जंप। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी हर्डल्स। बी हर्डल्स पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सी शैली उन पैंट का वर्णन करती है जिन्हें रिप्ड जीन्स कहा जाता है? What style describes pants that are called ripped jeans? A, they are of red color. B, they are made of silk. C, they are torn. D, only men can wear them. सर लाल रंग के होते हैं, वो रेशम से बने होते हैं, वे फटे हुए होते हैं,
या डी उन्हें केवल पुरुष पहन सकते हैं। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, दे आर टोन। सी पे थोड़ा लगा जाए। जी सर, बिल्कुल सही उत्तर। पश्चिम में शायद ये प्रथा शुरू हुई थी, युवाओं की डिसेंट किया उन्होंने, कुछ थोड़ा सा उनको लगा कि जो हो रहा उसको कुछ अलग किया जाना चाहिए, या असहमति से जन्मा हुआ। आज रिप जीन्स जो है एक कैजुअल पहनावा बन गया है, कभी कभी पहनने वाले खुद ही इसे फाड़ करके पहन लेते हैं लेकिन अक्सर उनको बनाया भी वैसे ही जाता है। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न में, 3,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए, और वो प्रश्न ये रहा आपके सामने हर्ष जी। प्रश्न ये है कि परंपरागत रूप से गुजराती व्यंजन दूध पाक का स्वाद कैसा होता है? ट्रेडिशनली व्हाट इज द टेस्ट ऑफ द गुजराती डेलिकेसी दूध पाक? ए स्वीट, बी स्पाइसी, सी बिटर, या डी सा मीठा, तीखा, कड़वा या खट्टा। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, मीठा। मीठा ए पे कह रहे हैं, ताल लगा दिया जाए। बिल्कुल ये भी सही उत्तर है। आप भी लगा दीजिए। दूध और चावल से बनता है ये दूध पाक। हाँ जी सर, और आपने काफी खाया भी होगा। मीठा स्वाद बहुत देर तक ये जीभ पर भी बना रहता है, इसका जो जायका होता है। ऑलराइट भाई साहब, आप हैं गुजरात से। जी सर। कुछ ऐसी चीज बताइए गुजरात के बारे में जो आपको लगता है कि हमें ये बहुत अच्छी लगती है। सर गुजरात पहले तो सर फेस्टिवलों का स्टेट है, बहुत फेस्टिवल्स होते हैं। हाल ही में सर दिवाली हुई है, और सर मकर संक्रांति जहाँ पे हम काइट फ्लाइंग करते हैं। जी जी। फिर सर होली आती है, और सर बेस्ट रहता है हमारा नवरात्रि गरबा, जो पूरे विश्व में प्रख्यात है गुजरात का गरबा। जी बिल्कुल। जी सर, वो सर सबसे बेस्ट रहता है। और सर ये गरबा की एक जो मीनिंग है सर, स्पेशलिटी है सर, ये इनिशियली एक डांस का फॉर्म था, लासिया फॉर्म जैसे कहते हैं। और सर इसमें एक गर्भ रहता है, मतलब वो मिट्टी का बना हुआ होता है, उसके अंदर सर दिया होता है, वो ऐसा प्रतीक होता है कि वो गॉड भगवान है, मतलब देवी है, जो शक्ति है जो हमें प्रोटेक्ट कर रही है, और सर हम उसी की पूजा करते हैं, इसीलिए सर उसे गर्भा बोलते हैं। उसी से सर वर्ड आया गर्भा। सर ये हमको नहीं मालूम था, चलिए आज ज्ञान प्राप्त हो गया। सर इसी वजह से सर गुजराती गरबा करते कभी थकते नहीं है। हाँ, बिल्कुल। कितना भी गरबा करते हैं कभी थकते नहीं है सर। और सर कभी थके हुए होते हैं फिर गरबा बजता है तो वैसे भी एनर्जी आ जाती है। आ जाती है एनर्जी। ऑलराइट, आगे चलते हैं, चौथा प्रश्न, 5,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जैन धर्म में मांस खमण उपवास कितने दिनों तक चलता है? इन जैनिज्म मांस खमण इज अ फास्ट दैट स्पैन्स हाउ मेनी डेज? ए 8, बी 16, सी 30, डी 365। 8, 16, 30 या 365। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, 30 डेज। सी 30 पे कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। आगे चलते हैं पांचवे प्रश्न पर, 10,000 रुपए इसका मिलेंगे। पांचवा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फिल्म सुल्तान के गीत 440- के रिक्त स्थान को विद्युत क्षमता की कौन सी इकाई भरेगी? What unit of electric potential fills in the blank of the song title 440- from the movie Sultan? ऑप्शन सुनिए, ए वोल्ट, बी एम्पियर, सी ओम, या डी वेबर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, वोल्ट। वोल्ट, 440 वोल्ट। ए वोल्ट पे था लगा जाए। ये भी बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। ये सलमान खान की अभिनीत फिल्म सुल्तान के एक गाने का नाम है। ऑलराइट, ओके। सर एक चीज बताना चाहता हूँ। वैसे तो सर मुझे मूवीज का बहुत शौक है, और मेरी हॉबी भी मूवीज से रिलेटेड ही है। अच्छा जी सर, मैं जैसे कि जैसे सर मैं कोई भी मूवीज देखता हूँ तो मैं उसकी मूवीज के ऊपर सर मैं लिखता हूँ, मेरी पर्सनल डायरी है, मैं उसके ऊपर। मुझे ऐसा लगता है कि सर मूवीज एज अ पार्ट है लाइफ में, हर कोई मूवी कुछ ना कुछ सिखा जाती है, उसके कुछ ना कुछ डायलॉग्स मुझे अच्छे लगते हैं, कुछ ना कुछ सीन अच्छा लगता है। जी जी जी। सर जैसे एग्जाम्पल पे कैटरीना कैफ और ऋतिक सर की ZMD थी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। हाँ। जी सर, उसमें एक डायलॉग आता है जब कैटरीना मैम और ऋतिक सर बुनियाल में वॉक पे जाते हैं, तब मैम बोलती है कि तुम्हें कैसे पता कि तुम 40 साल तक जियोगे, सीज द मोमेंट माई फ्रेंड।
तो सर वो चीज मैं आज भी लाइफ में वो इम्प्लीमेंट करता हूँ। सर आपकी भी एक फिल्म थी आनंद मूवी में, जिसमें सर बोलते हैं कि बाबू मशाई जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। जी सर, वो भी बहुत बड़ी है। ये तो बड़ी अच्छी आदत है आपकी। जी सर, हर एक फिल्म में आप कुछ ढूंढते हैं जो आपको असरदार मिल जाए, जो प्रोत्साहित कर सके, उसको आप लिखते हैं। जी सर, सर ऐसी मैंने 40+ मूवीज के ऊपर लिखा हुआ है और मैं इसके बारे में सर कंटिन्यू भी करूंगा। रियली नाइस, थैंक यू। बहुत से लोग आते हैं, वो कहते हैं सर आपकी फिल्में अच्छी नहीं लगती हमको, ये नहीं ठीक है। सर, आपकी फिल्म है। नहीं नहीं, हमारी नहीं, जनरली कहते हैं, जनरली कि फिल्म अच्छी नहीं है, क्या करेंगे देख करके। लेकिन कहीं ना कहीं सर आप जैसे हैं और आप बहुत अच्छा उदाहरण बन गए हैं सर हमारी फिल्म उद्योग के लिए, क्योंकि आपकी बातें सुन करके हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे दर्शक जो हैं वो जा करके ढूंढेंगे कि प्रत्येक फिल्म में क्या अच्छी चीज मिली हमको, उसको हमको लिखना चाहिए। जी सर, आर्टिस्ट भी बहुत मेहनत करते हैं सर एक फिल्म बनाने के लिए, तो सर उसमें कुछ ना कुछ अच्छा रहता ही है, आपको सिर्फ ढूंढना पड़ता है कोई भी मूवीज में। जी सर, जी सर, बड़ा अच्छा लगा सर आपने ऐसा बोला। ऐसे ही बोलते रहा कीजिए सर। जी सर, जी सर, आपके मुंह में घी चक्कर। ओके, अब आएगा आपके सामने छठा प्रश्न, रेडी? जी सर। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। कैम्बे इनमें से किसके पूर्व नाम का हिस्सा था? कैम्बे, कैम्बे वॉज अ पार्ट ऑफ अ फॉर्मर नेम ऑफ विच ऑफ दीज? ए सह्याद्रीज, बी रण ऑफ कच्छ, सी गल्फ ऑफ खंबात, ये डी थार डेजर्ट। सह्याद्री कच्छ का रण, खंबात की खाड़ी, या थार रेगिस्तान। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, गल्फ ऑफ खंबात। सी गल्फ ऑफ खंबात पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। सही उत्तर दिया है आपने। खंबात की खाड़ी को पहले कैम्बे की खाड़ी कहा करते थे, उसी से सर वो वर्ड आया है खंबात। खंबात हाँ, कैम्बे, कैम्बे। ये अरब सागर के उत्तरी सिरे पर है ये गल्फ ऑफ खंबात। ओके, आ गया है सातवां प्रश्न 40,000 रुपए का, और वो अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किसके एमसीसी कानूनों की प्रस्तावना में कहा गया है कि खेल को उस खेल की भावना से खेला जाना चाहिए? द प्रीएम्बल टू द एमसीसी लॉज ऑफ विच स्पॉट स्टेट्स दैट इट शुड बी प्लेड विद इन द स्पिरिट ऑफ द सेम। ए बैडमिंटन, बी टेनिस, सी फुटबॉल, डी क्रिकेट। एमसीसी की बात है। सर मुझे दो ऑप्शन में डाउट है, टेनिस में और क्रिकेट में। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा। और शांत हो जाइए, बाद में बताइए। तीनों लाइफलाइन जीवित है, कौन सी लीजिएगा? सर मैं ऑडियंस पोल लेना। ऑडियंस पोल, ओके। ऑडियंस बारी आ गई आपकी, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। कंप्यूटर महाशय, और आपका समय शुरू होता है अब। डी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है, 53%, 53 डी, 33, 4 and 10 मिला है वक्त। सर जनता के साथ जाओ, जाना रहूंगा। जनता के साथ जाएंगे, डी पे बोलिए क्या किया जाए। जी सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी। डी पे थर लगाया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस इज द राइट आंसर। क्रिकेट की खेल भावना या स्पिरिट ऑफ द गेम एक ऐसा विषय है जिस पर बहुत बार बहस होती है। एमसीसी कानून कहता है कि खिलाड़ी, एम्पायर और इसमें शामिल सभी लोगों पर इस स्पिरिट को बनाए रखने का उत्तरदायित्व है। ऑलराइट, आपसे एक चीज पूछना भूल गया मैं हर्ष, आजकल आप क्या कर रहे हैं? जी सर मैं अपने फादर का बिजनेस हैंडल कर रहा हूँ, जिसमें सर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है प्लास्टिक मोनोफिलामेंट यान का। ओके, वो क्या होता है? सर वो प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स आती है, जैसे मिनरल ऑयल में से पेट्रोल निकलता है, डीजल बनता है सर, उसमें से एक प्लास्टिक के ग्रेन्यूल्स मिलते हैं
सर उसी को हम मेल्ट करके थ्रेड्स बनाते हैं। ओके ओके। सर कुकिंग करने के बाद हम डिश वॉश करते हैं तो उसमें सर स्क्रबर यूज करते हैं। स्क्रबर हमारे जो थ्रेड्स बनाते हैं सर उसमें से सर वो स्क्रबर बनता। ओके। सर आपने कभी किया है? हाँ सर, कई बार बर्तन साफ किया है। बर्तन साफ किया है, किचन का जो चिलमची है उसको साफ किया है, और बाथरूम में जो बेसिन होता है उसको भी साफ किया है। सब कुछ किया है सर हमने। ऐसा क्यों लगता है कि आपको हमने ना किया होगा? सर ऐसे तो कुछ है नहीं, लेकिन ऐसा आया कि पूछ लो आपको। हाँ नहीं, अच्छा किया पूछ लिया आपने, अब तो पता चल गया। पता चल गया सर। अब आएगा आठवां प्रश्न आपके सामने, इसका मूल्य है 80,000 रुपए। तैयार है? जी सर। आठवां प्रश्न 80,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इंटरनेट पर इनमें से कौन सी गतिविधि आमतौर पर टॉरेंट्स और सीडिंग जैसे शब्दों से जुड़ी होती है? Which of these activities on the internet is usually associated with the terms like torrents and seeding? Option सुनिए। A, browsing news यानी समाचार पढ़ना, downloading media, media download करना, C, scrolling social media देखना, या D, sending email, email भेजना। सर सेंडिंग मेल तो नहीं लग रहा है, ब्राउजिंग न्यूज नहीं लग रहा, स्क्रॉलिंग सोशल मीडिया, टॉरेंट्स, डाउनलोडिंग मीडिया सर लग रहा है, ऑप्शन बी। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, डाउनलोडिंग मीडिया। बी डाउनलोडिंग मीडिया कह रहे हैं, ताला लगा जाए। यस हर्ष इज द राइट आंसर। टॉरेंटिंग एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग डिजिटल संगीत या वीडियो जैसी बड़ी कंप्यूटर फाइल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किया जाता है। और पर हमारी आपको एक सलाह है कि आप फिल्में जाएं तो आप थिएटर में जाएं भाई साहब। सर थिएटर में ही जाएंगे। हाँ सर, क्योंकि बड़े पर्दे पर और लोगों के साथ बैठकर देखने में कुछ अलग ही मजा आता है। जी सर। ऑनलाइन पे देखते हैं, मोबाइल पे देख लिया, वो मजा नहीं आता। हाँ सर, डाउनलोडिंग आमतौर पर जो है ना कई बार इलीगल होता है, बहुत से लोग जो है ना उसका पायरेट फिल्म तैयार करके फिर बोलते हैं इसको डाउनलोड कर दीजिए आपको पिक्चर दिख जाएगी, कम दाम पे दिखेगी, वो सब इलीगल है सर। ओके ऑलराइट। अब आएगा आपके सामने नवा प्रश्न और ये है 160,000 रुपए के लिए। तैयार हो जाइए। नवा प्रश्न 160,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जब सभी पांडव राजा विराट के नगर में छद्मवेश में रहे तो उन्होंने इनमें से कौन सा व्यवसाय नहीं अपनाया था? Which of these professions were not taken up by the Pandavas when they stayed in disguise in King Virat's city? ऑप्शन सुनिए। ए हॉर्सकीपर, बी कुक, सी डांस टीचर, या डी आर्चरी टीचर, घोड़ा पालक, रसोईया, सी नृत्य शिक्षक, या डी धनुर्विद्या शिक्षक। सर इसका आंसर है प्लीज लॉक ऑप्शन डी, आर्चरी टीचर। आर्चरी टीचर डी, धनुर्विद्या शिक्षक डी पे ताला लगाया जाए। ये भी बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, क्या बात है। सहदेव का नाम था तंत्रिपाल और वो गौपालक थे। नकुल जो थे वो दम ग्रंथ यानी कि घोड़ा पालक। अर्जुन थे बृहन्नल्ला, नृत्य शिक्षक थे। भीम वलाल यानी कि रसोईया, युधिष्ठिर कंक राजा के सलाहकार। अब आ गया है आपके सामने 10वां प्रश्न और यहाँ पर एक और चेतावनी हम देते हैं अपने कंटेस्टेंट्स को कि इसे एक मौके पर चांस मत लीजिएगा क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। में जब श्रीमती गुरु शरण कौर ने भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत लॉन्च की तो उनके पति किस पद पर थे?
what post did the husband of Srimati Gurusharan Kaur hold when she launched India's first nuclear submarine, INS Arihant, in the year 2009? Option Sunil. A. Minister of Defense. B. Minister of External Affairs. C. Prime Minister. D. Minister of Railways. Raksha Mantri, Videsh Mantri, Pradhan Mantri, Rail Mantri. Sir, PM to nahi aayega, kyunki us time Manmohan Singh ji se call. Sir, main lifeline lena chahunga. Shant ho jaiye, Basmati ji. दो लाइफलाइन बची हैं आपके पास, वीडियो कॉल अ फ्रेंड, डबल डिप। सर मैं वीडियो कॉल अ फ्रेंड लेना चाहता हूं। ओके, इसको अंकित कर दिया जाए। कंप्यूटर जी, तीन नाम दिए थे आपने हर्ष जी। सर ये है वो नाम, चंद्रजीत विछिया, शमी चौहान, भगीरथ सिंह जडेजा। सर मैं चंद्रजीत विछिया को कॉल करना चाहता हूं। चंद्रजीत विछिया से बात करें। ऑलराइट, चंद्रजीत विछिया जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। मित्र हैं आपके? जी सर, वो मेरे मित्र है। चंद्रजीत जी, प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। बहुत बहुत नमस्ते सर। नमस्कार सर। हमारे सामने आपके मित्र बैठे हैं हर्ष। हाँ सर। और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। ना सर, बिल्कुल, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा उसको आंसर देने। ऑलराइट, ओके, तो अगली आवाज हर्ष की। हर्ष, आपका समय शुरू होता है। आप चंदू भाई, व्हाट पोस्ट डिड द हस्बैंड ऑफ श्रीमती गुरुशरण कौर Old when she launched India's first nuclear submarine INS Arihant in 2009. Husband of Srimati Gurusharan Kaur, jene barobar Ministry of Defense, Ministry of External Affairs, Prime Minister or Ministry of Railways. Srimati Gurusharan Kaur, ena husband nu naam, any husband, ena husband kaya post par hata. Ministry of Defense, Ministry of External Affairs. ये मत ही एक लागे जाए। मारा अंदाज मुझे भी बी लागे जाए, मतलब External Affairs। Double dip लेना चाहूँगा। Double dip, हाँ। शांत हो जाइए। Double dip ले लिया जाए, इसको अंकित कर दिया जाए। Double dip। और जी, अब आप गेम क्विट नहीं कर सकते। जी। और दो अवसर मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। सर ऑप्शन सी, प्राइम मिनिस्टर। सी प्राइम मिनिस्टर पे ताला लगाया जाए इज द राइट आंसर। श्रीमती गुरशरण कौर जो है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की पत्नी। जी सर, वो सर बाद में सर स्ट्राइक हुआ। नेवल परंपरा ये है कि ऐसे लॉन्च एक महिला ही करती है। जी सर। और अभी आपने देखा होगा हमारी जो राष्ट्रपति जी, हाँ, उन्होंने भी अभी एक नेवी का जहाज जो है वो लॉन्च किया। जी सर, वो ये कथा चली आ रही है तब से। जी, ये काफी बड़ी उपलब्धि होती है एक न्यूक्लियर सबमरीन जो है वो उसको लॉन्च करना, जो कि भारत में बनी है, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो उसको कोई एक गर्वशाली इंसान ही उसको बुलाते हैं। ओके, तो इन्होंने डबल डिप लाइफलाइन का बहुत ही असरदार इस्तेमाल किया है। ऑलराइट भाई साहब, ये आएगा आपके नाम चेक 3,20,000 रुपए का। ऑलराइट हर्ष जी, इधर बढ़िया। तो आज का खेल यहीं समाप्त करेंगे हर्ष जी, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया, भाव आपने पार कर लिया है। तो समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है और साथ साथ हमारे ज्ञाननाथ जी का ज्ञान भी आता है इस समय। ज्ञाननाथ जी कहते हैं कि आजकल फैमिली गेट टुगेदर का मतलब है जब घर के सारे फैमिली मेंबर्स एक साथ सोफे पर बैठ करके एक साथ बात करते हैं, लेकिन एक दूसरे से नहीं, अपने अपने मोबाइल पे। देखा होगा आपने, कई बार ऐसा होता है, अपने अपने दोस्तों से बतियाए। इसे ही आजकल कहा जाता है कि शास्त्रों में आधुनिक फैमिली गेट टुगेदर कहा जाता है, मॉडर्न फैमिली गेट टुगेदर जो है। तो इसी के साथ आपसे हम कल मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। कल हमारे साथ होंगे हर्ष जी। शुभरात्रि, शुभरात्रि, शुभरात्रि। बहुत ध्यान से रखिएगा।